हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालिक सिद्दीकी है और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक मेडिसिन के बारे में जो अक्सर हम यूज़ करते हैं किसी भी इन्फेक्शन में। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस किस इन्फेक्शन में यूज़ की जा सकती है और उसमें कौन कौन से साल्ट पाए जाते हैं और उसकी वर्किंग कैसी होती है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आपने ये एक प्रोडक्ट देखा होगा क्लेवान 625 करके, क्लेवान 625 कह जाते हैं इसको। ये एलकम का प्रोडक्ट है, एलकम का प्रोडक्ट है, एलकम हेल्थ साइंस का प्रोडक्ट है। और इसमें कौन कौन से साल्ट पाए जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्ट्रिप पे लिखा होता है, जैसे अगर साल्ट आपको देखना है, कंपोजिशन देखना है, तो स्ट्रिप पे लिखा होता है। जैसे इस पे लिखा हुआ है एमोक्सिसिलिन पाया जाएगा, एमोक्सिसिलिन इसमें 500 mg पाई जाती है। और कल्वेनिक एसिड जैसे पोटेशियम कल्वेनेट जो होता है 125 mg पाया जाता है। अब जैसे आपको मैंने बता दिया कि इसमें दो साल्ट पाए जाते हैं, एमोक्सिसिलिन पाया जाता है, पोटेशियम कल्वेनेट पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यही दो साल्ट वर्क करते होंगे। अब इसका यूज़ क्या होता है, इस मेडिसिन का यूज़ क्या किस लिए करते हैं? तो ये जो मेडिसिन है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, पेनिसिलिन टाइप में ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका मोस्टली यूज़ इसका करते हैं हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। जैसे आपके बॉडी में अगर कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, इसको क्योर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे पूरे बॉडी में नहीं, जैसे कुछ ऐसी जगह है जहाँ इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल है तो वहाँ इसका वर्क बहुत अच्छा है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, और अगर मान लीजिए आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, या आपकी स्किन में, सॉफ्ट टिश्यू में, या फिर आपके बोन और जॉइंट में है, अगर इस जगह पे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये जो मेडिसिन है यहाँ वर्किंग इसकी बहुत अच्छी होती है। अब जैसे इसकी वर्किंग, जैसे इनमें दो साल्ट पाए जाते हैं तो दो साल्ट एक साथ वर्क करते हैं और आपको डिजीज़ से क्योर कराते हैं। तो अब देखिए, जैसे अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर ये आपको दवा अगर क्लेवान 625 आपको देते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आप कम से कम इसको एक दिन में दो बार खाना होता है और कम से कम पाँच दिन का इसका कोर्स होता है। कम से कम आप 3 से 5 दिन तो कम से कम इसको खाएं। अब देखिए, जैसे अब इसकी आपको मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे है। जैसे दो साल तो मैंने आपको बता दिया कि ये दो साल पाए जाते हैं, लेकिन ये दो साल वर्क कैसे करते हैं? अब जैसे एमोक्सिसिलिन जो साल्ट होता है वो क्या करता है, उसकी वर्किंग ये होती है कि वो जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की, जिस पार्ट पे मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है, उस पार्ट पे क्या होता है, जब ये आप दवा खाएंगे तो जो इसमें एमोक्सिसिलिन साल्ट होता है वो क्या करता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहाँ पर रोकता है, मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है, वो रेजिस्ट करता है उसकी ग्रोथ को। और जो अदर साल्ट होता है, जो कल्वेनिक एसिड साल्ट होता है, वो क्या करता है, जो रेजिस्टिविटी है बैक्टीरिया की, उसको क्या करता है, डैमेज करता है। और दूसरा वर्क वो दो काम करता है, एक तो रेजिस्टिविटी को डैमेज करता है, दूसरा काम ये करता है कि एमोक्सिसिलिन जो साल्ट है वो जो काम कर रहा है, जो ग्रोथ को रोक रहा है, उसको इन्हांस करता है, मतलब वो प्रोवाइड करता है उतनी कि वो उस चीज़ को, एमोक्सिसिलिन साल्ट जो काम कर रहा है उस काम को वो इन्हांस करे, बूस्टअप करे। इस तरह दोनों साल्ट मिलके आपस में काम करते हैं, और इन्फेक्शन को क्योर करते हैं। अब जैसे जो भी दवा है उसका, जैसे उसका अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्लेवान 625 खाया तो उसका एडवांटेज ये है कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच गए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसका जो डिसएडवांटेज है, जिसको जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो। जैसे ऐसा नहीं है कि उसका साइड इफ़ेक्ट आपको तुरंत दिखने ही लगे, या बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट दिखता है। तो अब जैसे उनका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप क्लेवान 625 खा रहे हैं तो उसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि जैसे आपके पेट में दर्द हो सकती है, डायरिया हो सकती है, नौजिया हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए खा रहे हैं लेकिन हो सकता है कि आपको उसका साइड इफ़ेक्ट में फंगल इन्फेक्शन हो जाए स्किन और माउथ पे। लेकिन जो परसेंटेज होता है साइड इफ़ेक्ट का वो बहुत कम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में, हर पेशेंट में वो साइड इफ़ेक्ट दिखाए। और बहुत सारे ये जो मैंने अभी पहले साइड इफ़ेक्ट बताया, जैसे जो डायरिया बताया, फंगल इन्फेक्शन बताया, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, मतलब इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है इचिंग है, इनडाइजेशन है, हेडेक है, मतलब ये अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट है, मतलब मोस्टली पेशेंट में ये नहीं पाए जाते हैं, कुछ पेशेंट में ये पाए जाते हैं जो अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये रही आपकी, ये क्लेवान प्रोडक्ट बता दिया। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, जैसे आप जब स्ट्रिप पे देखेंगे तो स्ट्रिप पे लिखा रहता है कलर, जैसे इस पे लिखा हुआ, इस स्ट्रिप पे लिखा हुआ कलर,
टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है वो नेचुरल मेटल एलिमेंट होता है, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, क्यों हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कलर इंडिकेट करते हैं और लिखते हैं और इसको यूज़ करते हैं? तो ये एक वाइट पिगमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं मेडिसिन की कोटिंग के लिए, इसलिए वो इंडिकेट किया जाता है कि हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी इसमें मिक्स किया है। क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जो 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 प्रोडक्ट इसमें मिक्स हुए हैं, जो जो कंटेंट इसमें मिक्स हुआ है, उसको यहाँ पर लिखा जाए, एक नॉर्म्स के अंडर ये कंपोजिशन लिखा जाए। इस वजह से टाइटेनियम डाइऑक्साइड इसमें लिखा जाता है, जो इंडिकेट करता है कि जो मेडिसिन की कोटिंग हुई है, जो वाइट पिगमेंट की जो कोटिंग हुई है, वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड से हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके लंग्स में है, आपके मान लीजिए कि स्किन में है, या ये कान में है, या आपको निमोनिया या यूरिनरी ट्रैक्ट है, तो आप इस दवा को खा सकते हैं और इसके बहुत लो साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट पाया जाए। थैंक यू।